जो पद संभाल रही है आप, लेकिन वो अपना रिश्ता नहीं संभाल सकी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो पद संभालने लायक है? सही बात है, नहीं संभाल सकती। जब वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है ऐसे, तो वो दूसरे का क्या संभालेगी। SDM ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के बीच में छिड़ गया भारी विवाद। लोगों का कहना है कि जो लड़की अपना परिवार नहीं संभाल सकती वह SDM पद कैसे संभालेगी, ज्योति मौर्य को होना चाहिए जेल। सभी लोग सरकार से कर रहे हैं मांग, ऐसे लोगों को होना चाहिए जेल। ज्योति मौर्य के साथ साथ में उनके प्रेमी मनीष दुबे के ऊपर भी होना चाहिए कानूनी कार्यवाही। देखिए ये रिपोर्ट। मैं खुद एक गरीब लड़के को डेट कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी गरीब हैं। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है, वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिलेगा। तो कहता हूँ आलोक जी से उनको छोड़ देना चाहिए। वो क्यों परेशान है कि उसको तो अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा, वो क्यों होगी? पैसे के लिए भागी रही है। तो मेरी घरवाली करके दिखाया था। गलत हस्बैंड मेहनत से पैसा कमा के उसको पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद उसको छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत बात है। मैं चाहती हूँ कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। रोता बिलखता हुआ यह शख्स इंसाफ पाने की गुहार लगा रहा है, क्या कुछ नहीं किया अपने बेवफा बीवी के लिए, पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये सिला मिला कि उल्टा मेरी बीवी मुझे तलाक न देने पर मरवा देने की बात कर रही है। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है, और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था, और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियाँ हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए।